अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हदीस का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे अल्लाह ताला दीन की समझ अता फरमा देता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें चाहिए कि अल्लाह पाक के खूब खूब अल्लाह से दुआएँ करें और अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मुश्किल सी रेसिपी, लेकिन आसान तरीके से आज हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू, वो भी मेरे स्टाइल में। चलिए देखते हैं उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चने की दाल के मोतीचूर के लड्डू। ये दाल मैंने ली थी 1 पाव के बराबर और इसको मैंने धो के और उसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगो के इसको मिक्सी वाला जार होता है ना, मसाले का जो सूखा मसाला जिसमें पीसते हैं, उसमें मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना हमें, दरदरा सा। देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे की आँख से कि दरदरा सा मैंने पीसा हुआ है। ये लेंगे इसको, और ये दाल मैंने इस तरह से ली थी 1 पाव, और 1 पाव मैंने ली थी पिसी हुई चीनी। और ये लेंगे हम 5 अदद इलायचियाँ, और थोड़े से हम लेंगे ये 4 मगज। चलो देखते हैं किस तरह से बनेंगे ये। देखिए एक पतीली में मैंने चीनी डाल दी है, और 1 कप चीनी डाली है तो हम 1 कप ही पानी डालेंगे, यानी कि 1 पाव चीनी डाली है तो हम 250 ml पानी डालेंगे इसमें, ठीक है ना। अब इसको हम इतना पकाना है हमें कि ये हमें कोई 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, जितनी देर पकाना है कि ये चीनी घुल जाए। चलिए एक घुल जाती है तो फिर मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकाते हुए, बस इतना ही हमें चाहिए ना। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है ना 2 तार की, बस इस तरह से ही हमें रखना है इसको। और इसमें हमें डालूंगी हल्का सा फूड कलर, आपका दिल हो तो डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारे लड्डू का कलर कि बहुत अच्छा सा आना चाहिए ना, इसकी वजह से मैं डाला इसमें चुटकी भर फूड कलर। बस उसको मैं चूल्हा बंद कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं अब क्या करते हैं हम आगे। अब देखें डाल के इस मिक्सचर को लेके थोड़ा थोड़ा ले लेंगे इसको, और हाथों पे इस पर उंगली पे इस तरह से दबा के पतला पतला सा, बहुत मोटा मोटा नहीं बनाना, और इस तरह से हमें ये बनाना है। ये अभी कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया मैंने दरमियानी आँच पे, अब इसको इस तरह से इसमें डालते रहेंगे, बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे। अगर बनने में अगर परेशानी करें तो हल्का सा बिल्कुल हाथ गीला करके इसको, और फिर इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए जितने इसमें कढ़ाई में आ सकते थे मैंने डाल दिए, और अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी ये अच्छे से सिक चुके हैं और अंदर से गल चुके हैं। देखिए अभी झाग आ रहे हैं ना इसलिए, अभी जब ये सिकने लगेंगे तो इसमें झाग आना कम होते जाएंगे। अब जब मैं पलटूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए अच्छे से फ्राई होगा कलर, बस ये कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया, और देखिए झाग बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर हो गए। अब मैं इसको निकाल लूँगी बिल्कुल तेल निथार के, और बाकी सारे बना लेती हूँ, और ये थोड़ी देर ठंडे करूँगी, फिर इसको मैं आगे दिखाऊँगी। अब देखिए ये ना हमारे ये ठंडे हो गए सारे, अब इसको हम इस तरह से ना तोड़ लेंगे, तोड़ के इसको चॉपर में मैं इसको चॉप कर लूँगी। बहुत मोटा मोटा भी नहीं करना है, बहुत बारीक भी नहीं करना, दानेदार जैसे मैंने दाल करी थी ना वैसे ही मैं इसको कर लूँगी, फिर करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब 3 टेबल स्पून में इसमें घी डाल के, और ये इसको हम जो हमने ये अपना पीसा है इसको बैटर को, अब इसको उसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे। अब देखें कितना बिल्कुल इसमें घी नहीं है, जो हमने फ्राई किया है तो बिल्कुल घी के बगैर ही है। अब अगर किसी को लगे कि भाई इसमें ये कच्चे रहेंगे तो ये रहेगा, तो इसमें हम इसमें से इसका वो भी ख़त्म कर रहे हैं कि इसमें ऑयल घी में मतलब इसको भून लेंगे, और घी ही डालिएगा ऑयल मत डालिएगा। देखें कैसे अच्छे दानेदार हमारा बगैर छन्ने के, बगैर किसी उसके मेहनत के हमने ये आराम से बना लिए, वरना वो ये छन्ने में बना के डालो फिर वो कोई छोटा हो गया कोई बड़ा हो गया कोई कैसा हो गया, मुश्किल लगती है ना। अब ये आसानी से हमारे मोतीचूर के लड्डू घर में भी तैयार हो जाएंगे और मज़ेदार से बनेंगे बिल्कुल। बस 4 से 5 मिनट में इसको भून लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए भूनते हुए, अब इसमें हम ये 4 मगज डाल देंगे। 4 मगज को धो के डालेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, और ये 4 इलायची मैंने पीस ली है इसमें ये भी डाल देंगे। इलायची को मैंने छिलके समेत ही डाल दिए, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। मतलब इस टाइम पे हमने ये मैंने काम किया है दरमियानी आँच पे, अब मैं इसकी आँच बिल्कुल हल्की कर रही हूँ। अब इसमें जो हमने शीरा बनाया था वो डालेंगे। अब
देंगे, मिट्टी डाल देंगे और आँच इस टाइम पर बिल्कुल हल्की कर देनी है। हल्की आँच के साथ इसको हम पकाएंगे इतनी देर के हमारा ये जो है शीरा जो है बिल्कुल इसमें सॉक कर ले अपना ये जो दाल है हमारी। ये मैंने 1 टीस्पून के अलावा केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, आपका दिल चाहे तो डाल लीजिएगा, मुझे पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। दो टी स्पून मैं इसमें पिसा हुआ खोपरा डाल रही हूँ कि बच्चे खाएंगे तो हमारे दादे हेल्दी होंगे, तो उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ। आप लोग का दिल चाहे तो आप लोग डाल लीजिएगा आपके पास हो तो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ 4 वक्त से भी काम चल जाएगा। तो इसको मैं भून लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। देखिए ये भून गया है अच्छी तरह से, भाई इतना ही भूनना है हमें। अब मैं इसको ढक्कन ढक के रख रही हूँ इतनी देर तक कि हमारा ये जो बैटर है ये ठंडा हो जाए, फिर इसके लड्डू बनाएंगे। थोड़ा सा घी लगा लेंगे अपनी हथेली पर और लेके इसको थोड़ा सा बैटर और थोड़ा सा टाइट करेंगे इस तरह से और फिर इसको इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और हमारा बेहतरीन सा लड्डू तैयार हो जाएगा। ये देखें थोड़ी सी मेहनत के साथ मज़ेदार से मोतीचूर के लड्डू हमारे तैयार हैं और बाहर के जरासीम से पाक भी हैं, और क्योंकि बच्चों को पता नहीं कितनी पुरानी रखी हुई होती है मिठाइयाँ तो अपने घर में बना के खिलाएं, माशाल्लाह से मज़ेदार से बने हैं, मेरे बच्चों ने ट्राई किए। तो आप लोग भी जल्दी से इंस्टेंट मोतीचूर के लड्डू बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए और खुश कीजिए। और मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती है तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।